अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों विजिट वीज़ा के बारे में। विजिट वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और कतर में क्या विजिट वीज़ा लेकर जाना सही होगा या नहीं होगा, और विजिट वीज़ा होता क्या है, और कितने महीने को आता है, कितने महीने के अंदर आपका विजिट वीज़ा जो है वो एक्सपायर करता है, और भी कुछ खबरें हैं वो सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो वीडियो आप ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा, बिना स्किप को देखिएगा। अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहली बात करते हैं कतर में क्या विजिट वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कतर में अभी विजिट वीज़ा है जो अभी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग इस पर वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, मतलब बात को घुमा फिरा के बोल रहे हैं कि विजिट वीज़ा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, मतलब बात को बहुत ही ज़्यादा घुमा रहे हैं। पर दोस्तों, मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि अभी विजिट वीज़ा जो है वो कतर में नहीं दिया जा रहा है। ना विजिट वीज़ा मिल रहा है, ना फैमिली वीज़ा, ना ही कोई वर्क वीज़ा, ना एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, कोई भी वीज़ा अभी नहीं दिया जा रहा है। तो साथियों, विजिट वीज़ा के बारे में यदि कोई भी आपको एजेंट वगैरह या कोई भी कंपनी आपको बोल रही है कि आप कतर आइए, विजिट वीज़ा में आपको दूंगा और फिर यहाँ पे वर्क वीज़ा में चेंज कर दूंगा, तो ये बिल्कुल आपके साथ फ्रॉड करेगा, आप उसके बातों में बिल्कुल नहीं आइएगा। अब साथियों, बात करते हैं कि विजिट वीज़ा होता क्या है। तो दोस्तों, विजिट वीज़ा जो होता है वो आपको दिया जाता है सबसे पहले 3 महीना के लिए। तो विजिट वीज़ा में दोस्तों आपको 3 महीना का आपको विजिट वीज़ा दिया जाता है। विजिट वीज़ा का मतलब होता है कि वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे विजिट कीजिए। यदि आप नौकरी ढूंढ पाते हो, काम ढूंढ पाते हो, तो आप काम ढूंढ के आप वर्क वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आप चेंज करवा सकते हो। तो साथियों, वर्क जो विजिट जो वीज़ा होता है वो 3 महीने का होता है, जेन्युइन होता है। उसके बाद विजिट वीज़ा को आप 3 महीना यदि आपका हो जाता है एक्सपायर होने के बाद, फिर उससे आप 1 महीने का एक्सटेंड करवा सकते हो। फिर 1 महीना हो जाएगा, फिर आप 1 महीने का एक्सटेंड करा सकते हो। फिर 1 महीना हो जाएगा, फिर 1 महीने का एक्सटेंड आप करा सकते हो। मतलब विजिट वीज़ा तो होता है तो 6 महीने तक आप उसे अब लंबा घींच सकते, यानी 6 महीने का विजिट वीज़ा आपका हो जाएगा। पर आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा सिर्फ 3 महीने का, उसके बाद फिर 1-1 महीना करके आप उसे 6 महीना तक कर सकते हो, उसके बाद फिर आपको वापस आना पड़ेगा। पर उससे दोस्तों आपका खर्च बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब उसे एक्सटेंड करवाते हो, रिन्यूअल करवाते हो, तो आपका खर्च बहुत ज्यादा होता है, काफी ज्यादा आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो विजिट वीजा दोस्तों मान के चलिए लोग 3 महीने के अंदर ही वापस चले जाते हैं, क्योंकि फिर रिन्यूअल कराने में आपको बहुत ही ज्यादा खर्चा आपको देना पड़ता है। तो दोस्तों, जो भी आपको बोल रहा है कि विजिट वीजा दिया जा रहा है, तो दोस्तों ये बिल्कुल फर्जी बात है, आपको कोई भी विजिट वीजा भी नहीं दे पाएगा। अगली खबर साथियों आ रही है, कतर प्लान टू कंस्ट्रक्ट फ्लोटिंग इको होटल। दोस्तों, कतर में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। दोस्तों, उन्हें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू टर्की आर्किटेक्चर, दोस्तों एक टर्की का आर्किटेक्चर है, डिजाइन स्टूडियो, इसका नाम है हायरी अटक हदास। उनका कहना है कतर में दोस्तों एक कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग चल रही है, जो होटल बनाया जाएगा जो फ्लोटिंग, यानी वो पूरा होटल जो है वो घूमेगा, राउंड घूमेगा। तो दोस्तों, होटल होगा फ्लोटिंग इको होटल कोस्टलाइन एरिया। इसमें दोस्तों बताना चाहूँगा, वो होटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खुद प्रोड्यूस करेगा सोलर से, विंड से और टाइडल एनर्जी से, यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी से वो खुद क्यों प्रोड्यूस करेगा। और आगे दोस्तों बताया जाए, एनर्जी विद जीरो वेस्ट, और इसमें दोस्तों वेस्ट जो है वो बिल्कुल जीरो होगा। और इसमें 152 रूम कम से कम बनाया जाएगा, जो कि ब्लू प्रिंट अभी बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्दी इस पर काम होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि फोटो में देख सकते हैं, ये एक तरह का ब्लू प्रिंट है, और इसी तरह का वहाँ पर कतर में होटल को बनाया जाएगा जो कि पूरा फ्लोट करेगा, यानी घूमेगा। अगली खबर साथियों आ रही, फिलीपींस एयरलाइंस कैंसल दुबई मनीला फ्लाइट फॉर मार्च 18 to 20। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यदि आपने न्यूज़ देखा होगा, यदि आप रह रहे होगा, तो आपको पता होगा कि मनीला जो फिलीपींस के दोस्तों वहाँ जो एयरपोर्ट है, उन्होंने 18 मार्च से लेकर 20 मार्च तक दुबई के लिए सारी फ्लाइटें जो है वो कैंसिल कर दी थी। पर फाइनली दोस्तों 18, 19, 20 ये टाइम गुजर चुका है, अब ये दोस्तों फिलीपींस के अब रहने वाले हैं, तो अब फिलीपींस से दुबई, अब दुबई आप आ सकते हैं, फ्लाइटें फिर से स्टार्ट हो चुकी हैं। अगली जो साथियों खबर आ रही है, MOPH गैदर फीडबैक रिगार्डिंग COVID-19 वैक्सीन साइड इफेक्ट। दोस्तों, MO मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ द्वारा वहाँ पे एक फीडबैक निकाला गया कि जो लोग वहाँ पे वैक्सीन ले रहे हैं उसकी मतलब लक्षण क्या है, मतलब वो अच्छा है या बुरा है, इस पे दोस्तों लोगों से वहाँ पे फीडबैक लिया जा रहा है। तो दोस्तों, फीडबैक के दौरान मालूम चला है कि सभी ने उसकी फीडबैक अच्छी दी है, किसी को नुकसान वगैरह अभी तक नहीं हुआ है। तो ये कुछ अपडेट थी साथियों जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों साथ शेयर कर दे, ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।